बड़ी खबर आपको बताएंगे, विधानसभा उपचुनाव 2024 से जुड़ी हुई कांग्रेस ने जारी की स्टार प्रचारकों की सूची। जी हां, नामांकन समाप्त होने के बाद में अब स्टार प्रचारकों की सूची आ गई है सामने। प्रभारी रंधावा समेत 40 नेताओं को बनाया गया है स्टार प्रचारक। प्रचार की जिम्मेदारी इनके कंधों पर रहेगी। पीसीसी चीफ डोटासरा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, पूर्व सीएम अशोक गहलोत, सचिन पायलट, भंवर जितेंद्र सिंह, ये वो तमाम बड़े नाम हैं जो इस सूची में हैं। कुल 40 नेताओं को स्टार प्रचारक बनाया गया है। लखवीर सिंह शेखावत हमारे सहयोगी कनेक्ट हो गए, उनसे बात करेंगे। लखवीर, आज नामांकन का दौर समाप्त हो गया है, अब स्टार प्रचारकों की सूची कांग्रेस ने भी जारी कर दी है। तमाम बड़े नाम हम बता रहे हैं, 40 नेता कौन कौन से जिनको स्टार प्रचारक बनाया गया है, कौन से चेहरे जो कांग्रेस के लिए काम कर सकते हैं इस चुनाव में? बिल्कुल, देखिए आशीष, आज नामांकन दाखिले का आखिरी दिन था। तमाम राजनीतिक दलों ने जिन जिन प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतारा उन्होंने नामांकन दाखिल कर दिया है। तो अब तमाम राजनीतिक दल प्रचार प्रसार में मजबूती से जुटने वाले हैं। लिहाजा कांग्रेस पार्टी ने अपने 40 योद्धाओं को चुनावी मैदान में उतारा है, जो की कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशियों के लिए और कांग्रेस पार्टी को इन तमाम 700 सीटों पर मजबूत करने के लिए चुनाव प्रचार करेंगे, जिनमें मुख्य तौर पर प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, पीसीसी चीफ गोविंद डोटासरा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट के साथ ही कांग्रेस महासचिव भंवर जितेंद्र सिंह, पूर्व स्पीकर सीपी जोशी, रघु शर्मा, हरीश चौधरी, धीरज गुज्जर, दिव्या मदेना, रामलाल जाट सहित अशोक चन्ना सहित 40 नाम शामिल है। तो वहीं भाजपा से कांग्रेस में शामिल हुए और वर्तमान में चूरू से सांसद राहुल कसवा को भी स्टार प्रचारक कांग्रेस पार्टी ने बनाया है, जो की तमाम सीटों पर कांग्रेस के लिए प्रचार प्रसार करेंगे। तो निश्चित रूप से 40 योद्धाओं को चुनावी मैदान में उतारा गया है कांग्रेस पार्टी के द्वारा। तमाम क्षेत्रों के नेताओं को शामिल किया गया है और पूरी सोशल इंजीनियरिंग की गई है स्टार प्रचारकों की सूची जारी करने में, क्योंकि ये तमाम नेता तमाम 700 सीटों पर जाएंगे, कांग्रेस को मजबूत करने के लिए प्रयास करेंगे, मेहनत करेंगे। निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी चाहती है कि जिस प्रकार से लोकसभा चुनाव के समय जनता का समर्थन उन्हें हासिल हुआ और 11 सीटों पर फेंटमारी करते हुए कांग्रेस का हाथ मजबूत किया गया, एनडीए गठबंधन के प्रत्याशी जीते, निश्चित रूप से इन चुनाव में भी कांग्रेस को माइलेज मिले और न केवल अपने कोटे की 4 सीटों पर जीत दर्ज की जाए बल्कि अन्य सीटों पर भी फेंटमारी करते हुए कांग्रेस के प्रत्याशी जीतेंगे। कांग्रेस पार्टी चाहती है क्योंकि इस बार के जो उपचुनाव हो रहे हैं उसमें किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन करके पार्टी चुनाव नहीं लड़ रही है, खुद के प्रत्याशी चुनावी मैदान में। ऐसे में कांग्रेस चाहती है कि तमाम सीटों पर चुनाव जीता जाए, उसके लिए जो भी मेहनत करने की आवश्यकता है, जो भी प्रयोग करने की आवश्यकता है उसमें कांग्रेस पार्टी जीती हुई है। लिहाजा 40 स्टार प्रचारकों को चुनावी मैदान में उतारा गया है। वही बीजेपी भी कम नहीं है, बीजेपी ने भी बुधवार को ही अपने तमाम 40 स्टार प्रचारकों की सूची बीजेपी ने भी जारी की थी और बीजेपी ने भी तमाम प्रदेश स्तर के नेताओं को जिम्मेदारी दी है, जिसमें सीएम भजनलाल शर्मा, पूर्व सीएम वसुंधरा राजे, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, अर्जुन राम मेघवाल सहित तमाम प्रदेश के नेता शामिल है। ठीक है, जाहिर तौर पर ये अपने आप में तमाम बड़े नाम जो इस उपचुनाव को और रोमांचक करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों को साझा करने के लिए। तो 40 स्टार प्रचारकों की ये सूची है एक्सक्लूसिव जो हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें तमाम बड़े दिग्गजों के नाम हैं, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से लेकर पीसीसी चीफ डोटासरा और सचिन पायलट तक। ये तमाम नेता कांग्रेस के पक्ष में माहौल बनाते दिखाई देंगे सभी 700 सीटों पर।